जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ करेक्ट यूज ऑफ नॉट, नो, नेवर एंड नथिंग। स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। कुछ सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी, सर नॉट और नो में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो मुझे लगा कि नॉट और नो को क्लियरली आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। साथ में मैं आपको नेवर और नथिंग को भी एक्सप्लेन करूँगा और लास्ट में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दूंगा। आपको उसमें नॉट, नो, नेवर एंड नथिंग को फील करना है, राइट? तो आपको पूरे वीडियो को एंड तक देखते हुए लास्ट में दी गई एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करना है। तो हम लोग वीडियो को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देखेंगे बोर्ड पर, सबसे पहले हम लोग नोट की बात करें कि नोट है क्या, है ना? तो नोट जो है एक नेगेटिव वर्ड है, या हम कह सकते हैं नेगेशन को शो अप करने वाला एक शब्द है, है ना, जो कि एडवर्ब में आता है। तो ये कहाँ पर आपका यूज़ होता है? ये यूज़ होता है आपकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में, ठीक है? सबसे पहले तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता है हेल्पिंग वर्ब इन हिंदी इट्स कॉल्ड सहायक क्रिया। तो जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे आपकी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, है ना, आपकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर, ठीक है? ये जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसके बाद में आपको किसको लगाना होता है? नॉट को लगाना होता है। जैसे आपने कहा वह डॉक्टर नहीं है, तो आप कहेंगे ही इज नॉट अ डॉक्टर। सी दिस एग्जाम्पल, ही इज नॉट अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं है। तो ये जो नॉट है इसके साथ में याद रखना आर्टिकल भी आपका अप्लाई होता है। गॉट इट? तो बहुत ही सिंपल यूज है नॉट का, राइट? अब हम दूसरा यूज देखते हैं फ्रेंड्स, नो का, ठीक है? नो बना किससे? पहले नो के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो नो जो है नॉट प्लस एनी, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि एनी प्लस नॉट, ये दोनों मिलकर जो है वो क्या बनता है? नो बनता है, राइट? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने कहा, फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट हैव एनी पेन, राइट? ये एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा, उसके पास कोई पेन नहीं है। गॉट इट? तो यहां पर आप देखेंगे, यहां लिखा है नॉट और यहां लिखा है आपका एनी। मैंने आपसे कहा है कि नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नो, राइट? तो आपको याद रखना है कि इस नॉट की जगह आपको नो नहीं लगाना है। वो बात किसकी हो रही है? नाउन की हो रही है, तो उस नाउन के आगे आपको नो अप्लाई करना है। तो आपको इसको कुछ इस तरीके से लिखना होगा, ही डज और हैव मिलकर आपका हो जाएगा हैज, ही हैज नो पैन, राइट? ही हैज नो पैन का मीनिंग वही निकल रहा है जो निकल रहा है ही डज नॉट हैव एनी पेन। अगर आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाते हैं कि ही हैज नॉट पेन, इट विल बी रॉन्ग। आप अगर इसको इस तरीके से बनाते हैं कि ही डज नॉट हैव नो पेन, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको विशेष ध्यान देना है फ्रेंड्स कि आपने लिखा ही डज नॉट हैव एनी पेन, मैंने आपसे कहा कि नॉट प्लस एनी किसका मीनिंग देता है? नो का, राइट? जैसे देखिए, मैंने कहा कोई भी लड़का, नॉट एनी बॉय, इसका मीनिंग नॉट एनी बॉय इज कमिंग। तो नॉट प्लस एनी आपको बताया मैंने क्या होता है? नो। तो आप लिख सकते हैं नो बॉय इज कमिंग। गॉट इट? तो कुछ इस तरीके से आपका नॉट और एनी के कॉम्बो से आपका बनता है नो। जैसे आप जब कहते हैं आई हैव नथिंग, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग, राइट? ये जो नथिंग है ये किससे बना है? ये देखिए लिखा है आपका नथिंग। वैसे मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा ही। नथिंग जो है आपका एक आपका प्रोनाउन भी है, साथ में ये आपके एडवर्ब भी हैं। तो नथिंग जो है, आप नथिंग को भी इसी तरीके से चेंज करेंगे, तो एनी प्लस नॉट में इसको चेंज करेंगे, तो आप बोलेंगे आई डोंट हैव। अब ये नॉट यहां निकल के आ गया, मतलब यहां बचेगा आपका एनी। देखिए फ्रेंड्स, आई हैव नथिंग या फिर आई डोंट हैव
एनीथिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं दैट यू शुड नो। आई हैव नथिंग और आई डोंट हैव एनीथिंग, इसी तरीके से हम लोग देखते हैं नो के और भी अदर एग्जांपल्स में। लास्ट में आपको जो एक्सरसाइज दूंगा वो जरूर आपको सॉल्व करना है, क्योंकि उसी से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अपने आप को समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली आपको ये चीजें समझ में आई है या फिर नहीं आई है ना। तो आगे आप देखिए, ये था नो एंड नॉट, अब हम नेक्स्ट अब देख रहे हैं नेवर, राइट। तो नेवर किससे बना है, जिस तरीके से नॉट प्लस एनी मिलकर नो बना है, उसी तरीके से नॉट प्लस एवर मिलकर बना है आपका नेवर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत अच्छी चीज है। नॉट प्लस एवर इज इक्वल टू नेवर, ठीक है। जैसे आपने कहा मैं वहां कभी नहीं जाता हूं, आई नेवर गो देयर, राइट। याद रखना है आपको कि अगर आपने सेंटेंस में नेवर अप्लाई कर दिया है तो नेवर अप्लाई करने के बाद सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बनाया जाता है। यू कैन नेवर से आप कभी भी ये नहीं बोल सकते आई डोंट नेवर गो देयर, इट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग, राइट। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि नेवर का यूज होने पर सेंटेंस को आपको नेगेटिव नहीं बनाना होता, क्योंकि नेवर के अंदर क्या छुपा है, नॉट छुपा है। नॉट प्लस एवर इज इक्वल टू Not plus ever is equal to never, बहुत छोटे छोटे concepts हैं, है ना। जिसे आपने किसी से पूछा क्या कभी आप वहां गए हो, Have you ever gone there? Have you ever gone there? क्या कभी आप उससे मिले हो, Have you ever meet him? अब जब उनका reply आएगा कि हाँ मैं वहां कई बार गया हूं, तो Yes, I have gone there many times। लेकिन अगर उसने बोला कि नहीं मैं वहां कभी नहीं गया हूं, No, I have Never gone there. Now you can see, मैं वहां कभी नहीं गया हूं। बहुत छोटे छोटे और बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका यूज जो है वो भी है नेवर का है। Now the next we have nothing. अब देखिए मैंने आपको nothing के बारे में पहले ही बता दिया कि nothing जो है वो आपका किस तरीके से वॉक करता है। Nothing मतलब कि anything, यहां लिख देते हैं हम एनीथिंग प्लस नॉट या नॉट प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू नथिंग। ये हर जगह अप्लाई होता है ना। मैंने आपको रिलेटिव जो आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन का वीडियो बताया था उसमें भी नथिंग के बारे में डिटेल बताया था। नथिंग बताया था मैंने आपको, नो वन, नथिंग, नो वेयर, राइट। तो उनमें डिटेल्ड आपको सारी चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। नॉट प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू नथिंग। जैसे आपने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग, यू कैन से आई हैव नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, I know nothing. See the example. I know nothing मतलब कि मैं कुछ नहीं जानता। तो आप इसको ये भी कह सकते हो I don't know anything. That is, I don't know anything is equal to I know nothing. तो ये दोनों concepts आपके एक जैसे ही है ना। So अब आप देख सकते हैं नॉट, नो, नेवर एंड नथिंग चारों आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में यूज होते हैं, राइट, नेगेशन को शो अप करते हैं। और ये बहुत ही ईजी है, इन्हें बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। मैं एक छोटी सी आप लोगों को एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इस एक्सरसाइज में आपको फिल करना है कि वहाँ नॉट आएगा, नो आएगा, नेवर आएगा या फिर नथिंग आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो फ्रेंड्स यहाँ बोर्ड पर आप लोग देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, 7 to 8 क्वेश्चंस, इनको हमें फिल करना है बाय यूजिंग नॉट, नो, नेवर एंड नथिंग। सो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन दिया आई हैव ब्लैंक टू गिव यू, अलग ही आपको आंसर सुनने में पड़ रहा है। आई हैव मेरे पास है, नॉट पॉसिबल ही नहीं है। आई हैव नो पॉसिबल ही नहीं है। आई हैव नो टू गिव यू, आई हैव नेवर एंड आई हैव नथिंग, राइट। मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, आई हैव नथिंग टू गिव यू। नाउ नेक्स्ट वी आर शी विल, विल आप देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगता है, नॉट। ये बिल्कुल आप याद रखें, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नेगेटिव करने में नॉट का यूज करना होता है। शी हैज ब्लैंक कॉपी टू राइट इट डाउन, राइट। उसके पास कॉपी नहीं है लिखने के लिए, तो शी हैज, अब हैज भी आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब है। देखो भैया हैज हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, हैज का मतलब होता है किसी चीज का किसी के पास होना, जो कि एक मेन वर्ब है ना। जैसे आप बोलते हो ना आई हैव नो पेन, तो यहां हैव आपको ये मत सोचिए कि हेल्पिंग वर्ब है, ये हैव यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है भैया, मेन वर्ब की तरह। यहां पर हैव का मतलब निकल रहा है किसी चीज का पास होना। जब आप इसे नेगेटिव बनाते हैं तो आप लिखते हैं आई
डू नॉट हैव अ पेन, ओके, मेरे पास पेन नहीं है। देखिए आप यहां पर ए लगा दीजिए, आ हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। एंड जब आप इसे नेगेटिव बनाते हो तो आप लिखते हैं आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। तो ये जो डू है ना, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये हैव तो आपका यहाँ का यहीं रखा हुआ है, तो ये आपकी क्या है भैया, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के बाद में आपको नोट नहीं लगाना होता, इसलिए आपको लगाना होगा यहाँ नो, शी हैज नो कॉपी, उसके पास कोई कॉपी नहीं है टू राइट नोट इट डाउन। नाउ द नेक्स्ट वी हैव शी ब्लिंक स्पीक्स अ लॉट। अब शी नॉट स्पीक, क्या शी के जस्ट बाद नॉट लगा सकते हो आप? नहीं, यहाँ मेन वर्ब दिए आपको। दूसरा शी नो, शी नेवर एंड शी नथिंग, अलग ही आपको लग रहा है, शी नेवर स्पीक्स अ लॉट, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है। हिज फादर सेज हिम, उसके पापा उसे कहते हैं नथिंग, कुछ भी नहीं। ओके, मैं चाहता हूँ कि जब ये क्वेश्चंस को सॉल्व आप करें तो पहले आप लोग कर ले और फिर उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके आप देखें, है ना, पहले पॉज करके उसको सॉल्व कर ले, देन उसके बाद देखिए कितने आपके सही जा रहे हैं। इसी तरीके से देखिए आपका यहाँ दिया है ब्लैंक एनिमल वॉज देयर टू सी, तो कोई भी एनिमल नहीं था भाई देखने के लिए, सो अलग ही लग रहा है नो एनिमल, क्योंकि आप ऐसा बोलेंगे नोट एनिमल, नेवर एनिमल, नथिंग एनिमल, है ना। ऐसे अगला क्वेश्चन है आपका ब्लैंक इज गोइंग टू हैपन हियर, यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन हियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट शी हैज ब्लिंक अपियर्ड इन द एग्जाम, यहां पर हैज दिया है और यहां पर अपियर्ड दिया है जो कि वी थ्री है, ये आपकी फिर क्या हो गई, हैज हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब है लेकिन यहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर हैज आपका मेन वर्ब है, राइट। तो यहां पर नो लगाया था हमने, लेकिन यहां लगाएंगे हम लोग नॉट, गॉट इट। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं है, ये मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, राइट। दैट इज व्हाई हमें यहाँ पर नो अप्लाई करना है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से 7 to 8 क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा अटेम्प्ट था ये, जिसमें मैंने आपको नो, नॉट, नेवर और नथिंग को डिटेल एक्सप्लेन किया। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, सभी को बताएं कि भैया मार्केट में एक नया सर आया है जो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा, शेयर करें सभी लोगों के साथ, इसे बताएं, राइट। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।